क्या कलभूषण यादव को रिहाई मिलने वाली है? कलभूषण यादव के बदले रिटायर्ड कर्नल हबीब की रिहाई की भारतीय मीडिया में खबरें। दफ्तर खारजा ने भारतीय जासूस कलभूषण यादव के बदले पाक फौज के रिटायर्ड कर्नल हबीब की रिहाई की भारतीय खबरों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया है। तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने कलभूषण यादव से मुतालिक भारतीय मीडिया की खबरों पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि नेपाल से लापता होने वाले पाकिस्तानी रिटायर्ड कर्नल हबीब की तलाश जारी है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कर्नल रिटायर्ड हबीब की गुमशुदगी में दुश्मन एजेंसियों का हाथ हो सकता है। कर्नल रिटायर्ड हबीब 2017 में नौकरी के इंटरव्यू के सिलसिले में नेपाल गए और नेपाल के इलाके लुम्बिनी से लापता हुए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लुम्बिनी भारतीय सरहद से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर है। कर्नल रिटायर्ड हबीब को बरतानिया के जाली नंबर से फ़ोन किया गया, जिस वेबसाइट से रब्ता किया गया वो भारत से ऑपरेट हो रही थी। कर्नल रिटायर्ड हबीब की होटल बुकिंग और टिकट एक भारतीय शहरी ने कराई थी। दफ्तर खारजा के तर्जमान ने मजीद बताया कि यही भारतीय शहरी कर्नल रिटायर्ड हबीब को लेने लुम्बिनी भी आया था। कर्नल रिटायर्ड हबीब की तलाश के लिए भारत से कई बार दरख्वास्त की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।